नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर डोसे हिल जो कि नारनौल ज़िले में है और मेरे साथ है विवेक जी और साथ में हैं आज़ाद जी और मैं नवीन। तो ये जो गांव पड़ता है इधर कुलताज नगर या कुलताजपुर गांव है और ये नया रास्ता एक पीछे से गांव में और पहले जिस रास्ते से जाते थे वो गांव थाना गांव से दूसरा रास्ता जाते हैं जिससे पहले गए थे, क्योंकि कोरोना की वजह से ये जो रास्ता है ये बंद था, क्योंकि इस साइड में एक मंदिर पड़ता है तो इसलिए इस रास्ते को बंद किया गया था। मंदिर है सामने श्री हनुमान जी की मूर्ति, तो चलिए देखते हैं आगे जाकर थोड़ा। अभी लगभग हम आए होंगे 200 मीटर, ज़्यादा थकावट नहीं है लेकिन हाँ थोड़े सांस चढ़े हैं और ये बिल्कुल हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसके हम समीप पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये है महावीर हनुमान की प्रतिमा और इस भवन का प्रवेश द्वार, और ये यहाँ से कुछ इस गांव के आसपास की जल की सुंदरता। ये शैली कौन सी आजाद पर ये शैली तो एक मार्ग इस मूर्ति के इस तरफ से भी है। ये देखिए, इधर से जो ये सीढ़ियाँ हैं ये भी जो मुख्य द्वार है उसके साइड से यहाँ से निकल अंदर चली जाती हैं। इधर एक छोटा सा कमरा नीचे, तो जो मुख्य द्वार है इस भवन में प्रवेश करने के लिए वो यह है जो कि भार्गव ने बनवाया था। द्वार से अंदर आने पर दोनों तरफ कक्ष छोटे छोटे और यहाँ पर सीढ़ियाँ कुछ इस तरफ भवन है और वो मार्ग जिसके विषय में आपको बता रहा था मूर्ति के जो साइड से है। इधर द्वार बंद है, एक कक्ष इधर है, बिल्कुल छोटा सा कक्ष है। यहाँ से थोड़ा सा दृश्य देखते हैं। ढोसी की पहाड़ी और सामने कुलताज ग्राम और इसी ग्राम के समीप से एक मार्ग ये इधर ढोसी की पहाड़ी पर और इस तरफ कुछ पुराने भवनों के अवशेष। गांव के अंदर भी काफ़ी पुराने भवन और यहाँ पर बंदर और सावधान रहने के लिए कहा गया है, बंदर फोन छीन रहे हैं इसलिए। इस तरफ एक कक्ष छोटा सा
और इस भवन में काफ़ी सुंदर चित्रकारी यहाँ पर। ये चित्र क्या कहते हैं जी, इन चित्रों से ये क्या दिखाता है? कले बढ़नी यह है सामने महावीर अर्जुन को विराट रूप के दर्शन, उसका एक चित्र। और इधर है ये शायद कृष्ण के जन्म के विषय में ये चित्र यहाँ पर दर्शाए गए हैं। काफ़ी सुंदर चित्रकारी यहाँ पर, कुछ चित्र यहाँ पर शायद अभी बने नहीं हैं, उनके पेंसिल स्केच यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और मध्य में एक उल्टे जो ये कमल पुष्प है उसकी आकृति। और यहाँ पर सामने ये शायद किसी महात्मा की प्रतिमा। यह भी श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्रकारी और जो हमारे महात्मा हुए हैं, महान आत्माएं, उनके विषय में चित्र। और एक और चित्रकारी यहाँ पर है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है उन्हें उसके विषय में उन्हें कैसे फल भोगने पड़ते हैं वो यहाँ पर दर्शाया गया है। कि मनुष्य जिस प्रकार के कर्म यहाँ पर करेगा तो उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ेगा, और किस विषय में भोगना पड़ेगा, उसे किस तरह की सजा या जो उसका फल मिलेगा वो यहाँ पर दर्शाया गया। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं, अच्छे विषयों पर काफ़ी सुंदर उनसे संदेश देने की कोशिश। और अंदर एक मंदिर है, शायद शिव का मंदिर है, वहाँ पर भी काफ़ी चित्रकारी दिखाई पड़ती है। सामने शिव और राम और हनुमान का एक सुंदर चित्र, इधर भी देख लेते हैं। और यहाँ पर राम के जीवन का सुंदर चित्रण किया गया है कि कौशल्या जी है वो राम को खिलाते हुए बचपन में, उसके बाद जैसे जैसे रावण यात्रा हुई उससे संबंधित बहुत ही सुंदर चित्रकारी यहाँ पर की गई है, चित्रों का प्रदर्शन। और यहाँ पर भी एक महामुनि महात्मा, उनका नाम नीचे अंकित रामेश्वर दास। थोड़ी कठिन चढ़ाई, लगभग 70% की जो चढ़ाई यात्रा वो पूरा। तो विवेक जी हम शिखर पर ही पहुंच गए। अभी के नाम है जस्ट मैं, जो अन्न मार्ग है वो दो भागों में है, चवन ऋषि का आश्रम और उससे ऊपर एक अन्य भाग। तो देखा जाए तो ये मार्ग सुगम है बिल्कुल जी, उस मार्ग में आपको दो भाग में आना पड़ता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता, क्योंकि मध्य में चवन ऋषि का आश्रम है, वहाँ पर विश्राम हो जाता है। बिल्कुल, तो यह है इस प्राचीर के अवशेष जिसका निर्माण हेमचंद्र विक्रमादित्य ने करवाया था।
अंतिम हिंदू सम्राट के लिए होगा फिर। जो भारतवर्ष के थे उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और उसके अवशेष। पहली यात्रा में हम इस द्वार तक आए थे और जो अन्य द्वार था रास्ता मार्ग वो इस तरफ से। तो चलिए चलते हैं शिखर पर। यहाँ से हम अभी आए और यहाँ से कुछ दूर एक मंदिर है बिल्कुल शिखर पर। हेलो, यह मंदिर का शिखर जिस पर मंदिर बना हुआ है। और ये देखिए इधर एक चट्टान से घाटी की सुंदरता। एक छोटा तालाब आश्रम महर्षि चवन और पहाड़ी की सुंदरता। पहले मुख्य शिखर पर चलते हैं। तो ये चट्टान जिसके मध्य में क्रैक काफ़ी बड़ा और यह किस प्रकार एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं वो अपने आप में एक विचार करने योग्य। बजाएंगे जी। वर्षा ऋतु में काफी ठंडक और हरियाली बढ़ गई है। यह शेड अब की बार ही लगाई है, पहले नहीं थी ना जी। यहाँ पर बिल्कुल अंतिम शिखर पर ढोसी की पहाड़ी सायंकाल हो चुका है इसी पहाड़ी पर और अभी नीचे चलते हैं और सूर्य भी छिप चुका है, अस्त हो चुका है। तो चलिए चलते हैं।